एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में। मौसम की ताजेतरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें और आपके जिले की मौसम की जानकारी चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है यूपी मानसून को लेकर ताजा अपडेट। भीषण गर्मी ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। अगले दो दिनों के भीतर भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार जून से सितंबर के बीच सामान्य से अधिक बारिश होगी। वहीं यूपी बिहार में कब आएगा मानसून, तो वहीं हवा की गति धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है, किंतु प्रभावित क्षेत्र में बारिश अगले दो तीनों तक ऐसे ही जारी रहेगी। IMD के अनुसार बंगाली खाड़ी में चक्रवात के चलते केरल में मानसून आने की स्थितियां अनुकूल बनी हुई है। हर किसी को अब बस इंतजार है तो मानसून की बारिश का। वैसे हर साल उत्तर प्रदेश में मानसून में बारिश औसत ही दर्ज की जाती है, पर इस साल मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिकों के पास एक अच्छी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में इस साल मानसून में अच्छी बारिश होगी, यानी गर्मी चुमंतर हो जाएगी और मानसून में बदरा उत्तर प्रदेश को जमकर भिगोएंगे। कानपुर शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विभाग के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आयसन सुनील पांडे ने इस मामले में संवाददाता से विस्तार से बात की है। वहीं 31 मई तक मानसून केरल पहुँच जाएगा, गति ऐसी ही बनी रहेगी तो बिहार में 10 से 15 जून के बीच और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18 से 20 जून तक मानसून आ जाएगा। वहीं दिल्ली में कब आएगा मानसून, तो आपको दिल्ली में मानसून आने का अनुमान 25 से 27 जून के बीच है। IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से देश में 106% तक बारिश हो सकती है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा एक समान नहीं होगी, मध्य एवं दक्षिणी भाग में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में अंडमान निकोबार में बारिश शुरू हो चुकी है। इसके अलावा बंगाली खाड़ी से हवाएं यूपी की ओर आने लगी है। ये दोनों मानसून में जोरदार बारिश के ठोस और प्रभावी संकेत है। केरल में जहां भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक 30 मई तक मानसून आ जाता है, तो वहीं यूपी में इस बार 28-29 जून के स्थान पर 22 जून तक मानसून आएगा। अगर बात करें कि मानसून सीजन में कहां अधिक होगी वर्षा, तो आपको बता दें इसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एवं मेघालय, पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा के साथ साथ उत्तर पश्चिमी हिस्से में भी सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान है। वहीं सूबे में मानसून सीजन के दौरान हर साल औसत बारिश होती है जैसे 1000 मिलीमीटर। कानपुर में मानसून सीजन के दौरान हर साल औसत बारिश होती है 863 मिलीमीटर। कानपुर में साल 2023 में मानसून सीजन के दौरान बारिश रिकॉर्ड की गई 853 मिलीमीटर। कानपुर में साल 2023 में जुलाई के दौरान बारिश रिकॉर्ड की गई 200 मिलीमीटर। इस बीच ये भी खबर आ रही कि बारिश तो अच्छी होगी लेकिन दिक्कत भी लोगों को होगी। CISABB के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आयसन सुनील पांडे ने बताया कि यूपी में इस साल मानसून के दौरान बारिश अच्छी होगी लेकिन पॉकेट्स में होने के चलते कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। बागनी के तौर पर उन्होंने बताया कि एक दिन में ही 60 से 70 मिलीमीटर बारिश हुई तो उचित नहीं है। वहीं अगर लगातार 7 दिन तक 20-20 मिलीमीटर बारिश हो जाती है तो ये किसानों से लेकर आमजन के लिए मुफीद स्थिति मानी जाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मौसम की ताजातरीन ऐसी खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल LHTV इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।